पाकिस्तानी मटकों में छेद हो चुका है और वह तेजी से रिस रहे हैं। इन मटकों से जो जवार निकलकर बाहर आया है वह तूफान का रूप ले चुका है। तूफान भी ऐसा जिसमें पाकिस्तान न बह रहा है बल्कि इस मुल्क के तमाम चौकटों पर झुरिया को और घना कर रहा है। यानी कभी भारत के ऊपर दाग लगाने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान अब खुद ही तारकोल के कढ़ाव में तैरने के लिए हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में मौजूद उत्तरी वजीरिस्तान सीमावर्ती इलाके में एक बड़ा संग्राम छिड़ चुका है। इस क्षेत्र में मौजूद पश्तूनों ने पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई के खिलाफ विद्रोह के सुर इतने तेज कर दिए हैं कि पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान ने इस विद्रोह को भड़काने का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़कर इसे शांत करने की कोशिशें की है, मगर पश्तूनों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला संगठन पश्तून तहफूज आंदोलन यानी पीटीएम ने अलग देश की मांग का बिगुल बजाकर पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में पश्तूनों की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 15% है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जहां अफगानिस्तान की सीमा लगती है यानी उत्तरी वजीरिस्तान में पश्तूनों की तादाद सबसे अधिक है। पाकिस्तान की आर्मी सदैव ही पश्तूनों पर सख्त रही है और यहां आतंकवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को कत्ल करती रही है। पाक आर्मी की साफ गोई यह है कि पश्तूनों में अलगाववाद के बीच अफगान और भारतीय इंटेलिजेंस मिलकर बो रही है। बड़ी बात यह है कि तालिबान को खत्म करने के हवाले से पाक सेना अब तक सैकड़ों पश्तूनों को शहीद कर चुकी है। यह मामला रविवार से बिगड़ा हुआ है। पीटीएम ने पाक आर्मी और सरकार के खिलाफ आंदोलन करके अलग मुल्क की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान पीटीएम कार्यकर्ताओं ने न केवल पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाक आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाए बल्कि पाकिस्तानी झंडों को भी आग लगा दी। इस आक्रोश के भड़कने की एक वजह यह भी थी कि पाक आर्मी ने यहां बीते साल एक पश्तून मॉडल समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसी खबरें भी चर्चा में है कि मृतक पश्तून मॉडल के साथ पाक आर्मी के कुछ दरिंदों ने दुराचार भी किया था, जबकि पाकिस्तान सरकार ने इसे आतंक के खिलाफ हुई कार्रवाई में मौत बताया था। लेकिन जब आंदोलन बुरी तरह भड़का और पूरा वजीरिस्तान आग के ढेर में बदलने लगा तो पाक सरकार ने आनन फानन में जांच कराई, जिसके बाद इस साल के शुरुआत में एक अदालत ने मृतकों पर लगाए गए आतंकी होने के आरोप रद्द कर दिए। इसके बाद पीटीएम आंदोलन ने क्षेत्र में जोर पकड़ा। खास बात यह है कि पश्तूनों ने इस समय जिस प्रकार बड़ा आंदोलन चला रखा है उसे देखकर पाक आर्मी के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि अब इस क्षेत्र में पाकिस्तान का टाइम खत्म हो गया है। रविवार को जब पूरा वजीरिस्तान सड़कों पर था, पीटीएम ने अपने आंदोलन के अंतर्गत एक सभा में पाकिस्तानी झंडों को जलाने की शुरुआत कर दी। इसी सभा में पाकिस्तानी सरकार से मिसिंग लोगों को रिहा करने की मांग भी की जा रही थी। पश्तून कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पाकिस्तान सेना ने इन लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया है, पर पाक आर्मी ने उनकी मांगें मानने के बजाय उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 7 से अधिक पश्तूनों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद पश्तून सांसद अली वजीर को भी हिरासत में ले लिया गया। एक अन्य पश्तून सांसद मोहसिन डावर घटना के बाद से गायब है। पीटीएम के 22 कार्यकर्ता भी लापता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना उत्तरी वजीरिस्तान के जिस हिस्से में हुई है, पिछले साल हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी ने इसी हिस्से में अच्छा प्रदर्शन किया था, पर इस वक्त मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। पूरे वजीरिस्तान में अलग मुल्क की मांग का उद्घोष हो चुका है। पश्तूनों के बच्चों से लेकर वर्द सड़कों पर है, जहां जलते टायरों के बीच राख होते पाकिस्तानी झंडे देखे जा सकते हैं। इमरान खान भीख मांगने में व्यस्त है, यानी पाकिस्तान जल रहा है। इमरान भिक्षा गान गा रहा है। सेना अपनी करतूतों की गाथा को अफगान भारत के ऊपर डालकर बच निकल जाना चाहती है, मगर बाजी हाथ से खिसक चुकी है और खिसक चुका है वह तख्ता जिसे भीख मंगा मुल्क तख्त कहता है, मतलब बलूचिस्तान जिंदाबाद के साथ अब वजीरिस्तान भी जिंदाबाद। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।